नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ा जानकारी देंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अगर आपने पीएम किसान अप्लाई खुद से किया हुआ है या सीएससी सेंटर से या कहीं और से आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे कि आपको पीएम किसान का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका कहीं पीएम किसान पेंडिंग में है या रिजेक्ट किया गया है या आपको अप्रूवल हर जगह से मिल चुका है, आपको उसका स्टेटस कैसे चेक करना है कि आपको पीएम किसान बना है या नहीं बना है। वीडियो को शुरू करने से पहले करेंगे छोटा सा रिक्वेस्ट, कब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लाल रंग के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबाइए ताकि पीएम किसान से रिलेटिव अब हर तरह का अपडेट आपको आगे भी मिलता रहे। पीएम किसान के पोर्टल पर आएंगे, इसके बाद स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड सीएससी फार्मर पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना डालना है और कैप्चा डालना है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कैप्चर जो दिख रहा है उस कैप्चर को हम यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कैप्चर को हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने कैप्चर को यहाँ पे डाल लिया है और सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फार्मर का नाम आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फार्मर एप्लीकेशन एड्रेस में फार्मर का यहाँ पर नाम दिख रहा है, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पे आधार का लास्ट 4 डिजिट, मोबाइल का 4 डिजिट, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट पांडू, ब्लॉक पांडू दिख रहा है, स्टेट झारखंड, डिस्ट्रिक्ट पलामू, रजिस्ट्रेशन का डेट यहाँ पे 8/9/2020 दिख रहा है और यहाँ पे स्टेटस में रिजेक्टेड बाय स्टेट दिख रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनको पीएम किसान का बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्टेट के द्वारा यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। रीजन फॉर रिजेक्शन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी बिना कारण यहाँ पर बताया रिजेक्ट कर दिया गया, कोई कारण नहीं बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर स्टेटस में रिजेक्टेड बाई स्टेट यहाँ पे बता रहा है कि नहीं कि रिजेक्ट कर दिया गया आपका स्टेटस से आपका पीएम किसान का आवेदन को। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी और स्टेटस यहाँ पे शो हो सकता है, जैसे कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाई सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे फर्स्ट में आपको जाएगा तो वहाँ पर आपको नहीं, अगर जो आपको अप्रूवल मिलता है तो यहाँ पर पेंडिंग आपको शो होगा, पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाई सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल, इस तरीके से आपको स्टेटस में शो होगा। नहीं तो आपको यहाँ पर रिजेक्ट भी शो हो सकता है, अगर सब कुछ आपका पीएम किसान का अगर आपका बन चुका है तो उसका स्टेटस कैसे दिखेगा। ठीक है, उसके लिए चलते हैं हम लोग बैक में कि अगर आपका सब कुछ हो चुका है तो आप कैसे उसका चेक करेंगे। तो यहाँ पे फिर से आपको वहीं पे आना है, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर सीएससी फार्मर पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका बन गया होगा तो आपको कैसा दिखेगा, ठीक है, उसके लिए आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ पर अपना एक आधार नंबर डाल रहे हैं जिनका मतलब कि जिन किसान को यहाँ पर पीएम किसान का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमने एंटर कर दिया आधार नंबर, यहाँ पर कैप्चा जो दिख रहा है उस कैप्चा को हम यहाँ पर अब एंटर करेंगे। कैप्चा आपको गलती नहीं करना है तो आपको यहाँ पे स्टेटस नहीं चेक हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने कैप्चा को डाल दिया है और सर्च पे हम अब क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये फार्मर जिनका मैं दिखा रहा हूँ इनका बन चुका है। यहाँ पे देखेंगे कि आधार नाम सो रहा है, पिता का नाम सो रहा है, आधार का 4 डिजिट और यहाँ पर मोबाइल का 4 डिजिट, यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट डंडा ब्लॉक डंडा स्टेट झारखंड डिस्ट्रिक्ट गढ़वा। ठीक है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट आप देखेंगे तो 10/10/2019 को ही रजिस्ट्रेशन इनका किया गया है। और यहाँ पे स्टेटस में हम नीचे अगर जो हम बात करें तो यहाँ पे फार्मर हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड ऑन पीएम किसान पोर्टल, प्लीज़ चेक योर स्टेटस फॉर्म फार्मर कॉर्नर अंडर बेनिफिशियरी स्टेटस, यानी कि पीएम किसान के पोर्टल पे आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आप पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर के फार्मर कॉर्नर में अपना बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, चेक करने को बताया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आपका भी लिख रहा है तो सब समझिए कि आपका हर जगह से अप्रूवल मिल चुका है, कोई भी इशू नहीं है, कहीं भी रिजेक्ट पेंडिंग नहीं हुआ है आपका आवेदन, अब और आपको बेनिफिट पीएम किसान का मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जान सकते हो। हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे कि आपका अगर जब बन चुका है इस तरीके से स्टेटस आपको दिखा रहा है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे अपना पता करेंगे और आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस को कैसे चेक करेंगे कि आपको पैसा मिला है कि नहीं मिला है, कब पैसा मिलेगा, सब कुछ आप कैसे चेक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल के कैसे आपको लॉगिन करना है, बेनिफिशियरी स्टेटस आपको कैसे चेक करना है, हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ताकि आपको पीएम किसान का और भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आगे का मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, आपका दिन शुभ।